नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जांच राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक हितों को साधने के लिए ईडी समेत अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को देश और युवाओं के हित में न बताते हुए कहा कि इस योजना का सबसे ज्यादा बुरा असर हरियाणा पर पड़ेगा, क्योंकि फौज में 10 में से एक जवान हरियाणा से संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर फौज में भर्ती राष्ट्र के हित में नहीं है और इसके माध्यम से देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि केंद्र सरकार सेना में रिफॉर्म लाना चाहती है तो पहले इस पर दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए और फिर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाकर उसके परिणाम और दुष्परिणाम देखने चाहिए। उन्होंने देश के राष्ट्रपति से मांग की है कि देश हित और युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा है कि आज इन दोनों मुद्दों पर देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस भवन से राज्यपाल भवन तक जाने की योजना थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही बैरिकेड लगाकर अवरोधक खड़े कर दिए। राज्यपाल के बाहर होने के कारण उनके सचिव ने ज्ञापन लिया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी इन दोनों मुद्दों पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पत्रकार वार्ता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। नमस्कार। ऐसा आज जो है सुबह जो हमारे और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राज्यपाल के यहाँ जो पहले कार्यक्रम था, राज्यपाल जी नहीं यहाँ थे नहीं, तो हमने उनको दो ज्ञापन दिए राष्ट्रपति जी के नाम पहुँचाने के लिए। हालांकि बैरिकेड लगा दिए थे हमारे दफ्तर के सामने, तो हमने वहीं गवर्नर हाउस से सेक्रेटरी आए, हमने उनको वहाँ ज्ञापन दिए। एक तो जो दिल्ली में आपने देखा कांग्रेस के जो श्रेष्ठ नेता हैं हमारे सोनिया जी और राहुल जी पर जो ईडी का वो चल रहा है, तो जैसा आप देख रहे हैं इतनी इतनी देर चल रही है, तो यही हमारा था राजनीतिक परिशोध की वजह से। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोई इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं आप। लगातार तीन तीन दिन बुलाना ये दर्शाता है कि राजनीतिक प्रतिशोध से है। एजेंसीज का इस्तेमाल राजनीति का उल्लू सीधा नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने दिया है जो ये अग्निपथ जो ये लेके आए हैं फौज में, इसके लिए योजना जो लेके आए हैं उसके लिए, ये जो अग्निपथ लेके आए हैं ये ना तो देश के हित में है ना युवाओं के हित में है। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा। इस किस्म से फौज में इस किस्म की कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस फौज में लगाना कोई किसी के हित में नहीं है और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। इसको तुरंत सरकार को वापस ले लेना चाहिए। मिलिट्री रिफॉर्म्स लाने चाहिए, होते भी रहे हैं, लेकिन कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए बहुत व्यापक तौर पे स्टेक होल्डर्स जितने हैं उनसे चर्चा की जाती है और फिर पायलट प्रोजेक्ट के उस पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट चलाया जाता है, उसका नतीजा देखा जाता है, उसके बाद ही उसको रिफॉर्म्स में शामिल किया जा सकता है। तो इसको तुरंत वापस लेना चाहिए, यही हमारी
ज्ञापन में कहा है, यही पार्टी की मांग है कि दो बात लेके हम गए थे। अब 20 तारीख को दिल्ली में धरना है जंतर मंतर पे, वो भी वहाँ जाएंगे। आप बोलो, नहीं आदरणीय साथियों, अभी हमारे आदरणीय हुड्डा साहब ने दोनों जो विषय थे उनके बारे में काफ़ी विस्तार के साथ अभी चर्चा की है। जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेता राहुल जी को अनावश्यक तौर से और अमानवीय तौर से और जिस तरह से हरास किया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, ईडी का पहले तो कोई मामला बनता ही नहीं, इससे पहले इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। 1937 में ये नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने, अपने प्रशांत टंडन जी ने, और ये एक स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की एक आवाज़ बनकर के उभरा था। और इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत ने 1942 से 45 तक इसको बैन रखा। उसके बाद विषम आर्थिक परिस्थितियां इसके सामने आई और ये बहुत ज़्यादा घाटे में चला गया। तो कांग्रेस पार्टी ने 2002 से और 2011 तक 9 साल में 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिए थे, जो पहले भी ये एक्सप्लेन इस बारे में कर भी चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब सब चीज़ पार्टी के खातों में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, तो उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो कोई हुआ ही नहीं, कोई ना ही किसी ने कोई प्रॉफिट लिया किसी भी तरह से। फिर भी जो है कोई बात प्रश्न पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन 10-10 घंटे बैठा के रखना, 3 दिन तक 10-10 घंटे बैठा के रखा, फिर दोबारा सब सोमवार को भी बुला रखा है, वो इस बात को दर्शाता है कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक बदनाम करने के लिए और ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसका कांग्रेस पार्टी डटकर विरोध करेगी और ना डरेंगे ना झुकेंगे, और इस पर पूरी तरह से सड़क से संसद तक इसकी पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा जो अग्निपथ योजना का है, ये एक बहुत ही, ये हमेशा जब भी फैसले लेते हैं तो किसी को विश्वास। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।